ना लगे मैंने आपको कहा आप मुझे 2% दे दो 3% मांगे मैम आपने अच्छा मैंने आपसे 3% बिल्कुल मांगे वैसे आप एप्लीकेशंस लिखाओगे हां एप्लीकेशन क्या मेरे पास प्रूफ है पूरा है मेरे पास कुछ भी बोलिए रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आप परीक्षा कराके बस कोई रिकॉर्डिंग है मैं तो आपको बोल रहा हूं आपके लिए गंदा सेशन कर रहा हूं गलत हो जाएगा ना फिर फंस जाएंगे बड़े ज्यादा कितने पैसे मांग रहे हैं कितने पैसे 3% मैम मांगते हैं कि 3% लाओ तो हम काम करेंगे नहीं तो कर नहीं करेंगे जहां जाना जाओ ऐसे बोलते कितना काम है आपका 6 लाख का काम है अभी बोलते ड्राइंग जो है वो गलत है जो जेई है एई है एडब्ल्यू एक्शन उनसे बात करो भाई आपने गलत क्यों करवाया पहली बात तो यह है कि हमारे पास 20 ब्लॉक है जहाँ पे एक जेई है जिसका परमानेंट ऑर्डर है उसके पास कोई पंचायत नहीं जो कमाऊ पुत्र है मैडम का उसको 20 की 20 पंचायत दे दी जहाँ पे बहुत सारी धांधली हो रही है पूछने वाला कोई नहीं है हमारे 2 बिल हैं बड़ियाल ब्राह्मणा अपर और बड़ियाल ब्राह्मणा लोअर के जब वीडियो मैडम से हमने बात की कि भाई हमारी पेमेंट पैसे आए हैं रिलीज हो गया तो आप पैसे रिलीज कर दो इनका एक ग्राम सेवक है वो कहता है कि 3% मैम के 1% मेरा 4% जब हम वीडियो को देंगे ग्राम सेवक को देंगे ऊपर भी कितना स्टाफ है जो टेक्निकल स्टाफ है जिनका पूरा दिन रात काम करते हैं उनकी इतनी कमीशन नहीं है उनकी इतनी परसेंटेज नहीं है ये जो वीडियो आरएसपुरा में इसकी 4% जो मांगती है लास्ट जो बात हमारी डील खत्म होती है वो 3 पे होती है फिर वे बोलते हैं कि पैसे लेके आओ आपका जो पेमेंट हम फिर रिलीज करेंगे परसों मैंने इनको बोला भैया मैम हमारी पेमेंट रिलीज कर दो कहने लगे जहाँ जाना है जहाँ जोर लगता है लगा लो मैंने इनको बोला हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कहते जहाँ जोर लगता है लगा लो हमारे ऊपर लंबे हाथ हैं हम कोर्ट से ये कर लेंगे क्या होगा 6 महीने के बाद हमें फिर जगह मिल जाएगी ऐसा तो बोलते हैं जी अब क्या डिमांड है आपकी सरकार से एलजी साहब से हम यही चाहते हैं कि ऐसे गंदे करप्ट वीडियो जहाँ भी हैं मैं बाकी की बात नहीं करूँगा बाकी स्टाफ काफ़ी अच्छा है जहाँ वीडियो आरएसपुरा में काफ़ी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं कोई पैसे का लेन देन नहीं करते लेकिन जब से ये वीडियो आरएसपुरा की जहाँ आई है नंदा जी सबसे करप्ट है और पैसे के बिना कोई काम नहीं करती आपके सामने ये कहा गया है कि आप 3% कमीशन मांग रहे हैं उसके बाद ठेकेदारों को पैसा दिया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको बताती हूँ इनका पहला ये एलिगेशन है कि मैं इनको पैसे नहीं दे रही आप जूम इन कर सकते हैं जी हम कर ये मेरा PFM इसका अकाउंट 8,52,000 आए थे 8,52,000 स्पेंट है बैलेंस 0 है ये परसों की स्टेटमेंट है आप चेक कर लीजिए ये बैलेंस प्लीज काइंडली जूम इन दिस इज द बैलेंस जो मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है PFM स्टेटमेंट जहाँ से इनका CSE पेमेंट होना है परसों ही फाइल है ये अकाउंट में मेरे पास पैसे नहीं है इनके पैसे होते भी तो मैं पहले फाइल चेक करूंगी ना परसों फाइल है या मैं मौके पे भी एक बार देखूंगी काम हुआ है कि नहीं हुआ है और किस रिगार्डिंग काम हुआ अब ये जो भी बोलने को तो एलिगेशन आप हवा में कुछ भी लगा सकते बोलने के लिए मैं खुद काम कर रहा हूँ मेरे से ज्यादा किसने काम किया जब से आप आए हो ना इतना गंदा सिस्टम हो गया 2% चार दरवाजे हैं और जो CSE का डिजाइन है उसमें मेल फीमेल वॉशरूम है दोनों के अलग अलग दरवाजे हैं और उनके अंदर फिर 2 दरवाजे हैं बट जो इन्होंने बनाया है वो 2 ही दरवाजों के साथ टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर WhatsApp करिए 972825-3663 पर